हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 30, 4 एंड 5, माइनस 1 एंड 4 एंड माइनस 2 एंड 1 टेकन इन ऑर्डर। यहाँ हिंट हमें दिया है, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी हो रही है, एक रॉम्बस की हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रॉम्बस ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना रॉम्बस ड्रॉ कर लिया है। हमें टेक एन ऑर्डर बोला था, तो हमने ऑर्डर में ले लिया ए बी सी डी, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल की बात हुई है, तो हमने यहाँ पे डायगनल भी ड्रॉ करना है। अब हमें क्या बोला है कि ऑर्डर में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 5, सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 4, एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं -2 एंड -1। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस बोला है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा 1/2 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल क्या है, ए सी एंड डी बी, यानी कि ए सी इंटू डी बी। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का। अब हमें ए सी और डी बी की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। यहाँ पे हम अपने सेक्शन फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें ओ के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ए सी और डी बी चाहिए, ए सी की लेंथ और डी बी की लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा, एक्सरसाइज 7.1 में ही हमने अच्छे से इसे सीख लिया था। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें a टू c जा रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, है ना, ये a टू c है हमारा डिस्टेंस है। तो a टू c जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब a टू c मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेंगे, x2 - x1, तो अंडर रूट x2 क्या है हमारा -1, -x1 क्या है हमारा 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है 4, -y1 है 0 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू -, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस में +, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। कैसे, देखो -4 × -4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, -, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा -, हो जाएगा हमारा प्लस। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, जब भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 × 16 = 32, तो अंडर रूट 32। अब यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 32 के एक बार हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स कर लिए। अब देखो अंडर रूट 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हमने 5 × 2 लिख लिया, यहाँ पे 2 का 2 का पेयर बन जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो 2 और 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 2 √2, 2 × 2 = 4 √2। ये आ गई हमारी वैल्यू। तो अभी हमने ये किसकी निकाली, ये ए सी की वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ए सी की निकाल ली, अब हम यहाँ पे डी बी या बी डी जो भी कहना चाहो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखा है, डी बी, तो हम डी से बी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अगर आप बी टू डी बी मूव करेंगे तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालना है अब हमें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है हमारा देखेंगे, x2 है हमारा 4 और x1 क्या है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 = 4 - x1 है -2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 देखेंगे, y2 क्या है, y2 है हमारा 5 और y1 है हमारा -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y2 है 5 - y1 है -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, -, क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में -, तो 5 प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2, क्या हो जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस में 5 + 1, क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर 36 + 6 का होल स्क्वायर 36 + 36 करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 का हम फैक्टर्स कर लेंगे, तो अंडर रूट 72 के फैक्टर्स देखो हमारे क्या है, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 और 2 बार ही 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो पेयर बना सकते हैं, 2 2 का पेयर बन जाएगा और 3 3 का पेयर बन जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 हमारे बाहर आ जाएंगे पेयर बना के, अंदर रह जाएगा 2, 2 इंटू 2 हो गया हमारा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी DB की वैल्यू, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे DB, तो AC भी आ गया DB भी आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू में क्या था प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगनल, यानी कि AC मल्टीप्लाई DB, तो वैल्यू हमने निकाल ली है हाफ इंटू में, AC की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 2, DB की वैल्यू आई है हमारी 6 अंडर रूट 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे हाफ इंटू में 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में 6 अंडर रूट 2, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे देखो 2 1 2 2 2 4 क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में ले लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, बाहर वाली जो डिजिट होती है रूट की बाहर वाली वो आपस में मल्टीप्लाई होती है और रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 6 12 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2, और 12 2 24, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया 24। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।